नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान और दुबई में बैठे उसके बेटे सरताज ने बड़ी साजिश रची थी। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार पिता व चचेरे भाई को कोर्ट परिसर से छुड़ाने के लिए हत्या के प्रयास सहित शहर में दंगा कराने के लिए समर्थकों को उकसाया गया था। रज्जाक के घर से जब्त दो राइफल में आर्म्स फोर्स में इस्तेमाल होने वाला लेजर और नाइट विजन दूरबीन लगे थे। यह आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। दो प्रकरणों में चालान पेश किया गया है। एक प्रकरण में 16 तो दूसरी में 3 लोग फरार हैं। इस हाई प्रोफाइल प्रकरण में एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी में शामिल सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर को विवेचक बनाया गया था। 89 दिन में उन्होंने विवेचना पूरी करते हुए दोनों प्रकरणों में 23 नवंबर को जिला सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। विजयनगर में दर्ज हत्या के प्रयास और बलवा के प्रकरण में अपराध दर्ज कर 19 आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में रज्जाक, उसके भतीजे शहबाज सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। 16 अब भी फरार है। सभी पर 8,000 रुपए का इनाम घोषित है। कोर्ट से भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की तैयारी में है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।